हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने लास्ट सेशन जो स्टार्ट किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आगे कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। किस तरह से अलग अलग तरह के सर्किट रेजिस्टेंस को सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। 12th का प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, जिसके अंदर सभी वीडियोस सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का अवेलेबल है। आप जाके वहां पर उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्किट डायग्राम है और इस तरह से उसने बोला है कि ए और बी पॉइंट के बीच में आपको आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस काउंट करना है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है? आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस काउंट करना है। देखो, सबसे अच्छा जो तरीका है, मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल मेथड से आप सॉल्व करें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर अदरवाइज किसी और मेथड से आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट्स को किस तरह से कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा वो सब देखना पड़ता है, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, पोटेंशियल मेथड यूज करें। कैसे यूज करना है सर? मैंने कहा भाई आप एक काम करो, ए और बी पॉइंट के बीच में एक इमेजिनरी क्या लगा दो, बैटरी लगा दो। ये लो बैटरी लगा दिया। इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? बैटरी है नहीं, लेकिन सर्किट को अगर कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर एक बैटरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लो मैंने एक बैटरी लगा ही दिया। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने बैटरी लगा दिया। पोटेंशियल बैटरी का जो है वो कितना है? वी है। ये जो पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पोटेंशियल वी का वैल्यू मान लिया और जो लो पोटेंशियल आपका जो पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया। तो कर सकते हैं, तो होगा क्या, जीरो पोटेंशियल की अगर बात करोगे तो बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पर, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। और ए पॉइंट यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हुआ तो वी ए पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी। क्लियर सब बातें? जब ये सब काम हो जाएगा अब आपको फाइंड आउट करना है वो सारे पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है। जो सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है तो आपने कहा सर यहाँ पोटेंशियल वी है, और अगर देखा जाए तो इस कर्वेचर के साथ जब मैं चलूंगा, इस कर्वेचर के साथ जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? वी। आपने ऊपर मूव करना शुरू किया तो आपने कहा सर यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? वी। क्लियर सब बातें? सिमिलर आपने कहा सर बी से मूव करना शुरू किया, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, यहां पर गए तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पर जब आओगे बेटा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? जीरो। देखो जरा, जितने भी टर्मिनल्स थे सबका हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है, आ चुका है ना। तो अब आप करेंगे क्या, आप इसको रीड्रॉ करेंगे। तो आपने कहा सर इक्विवेलेंट सर्किट को रीड्रॉ कर दीजिए, सारे के सारे पॉइंट के वैल्यूज ले लीजिए। तो आपने कहा सर कौन कौन सा पॉइंट है? देखो जरा, कोई अगर हमारे पास पोटेंशियल कौन सा है? वी है बस और जीरो है, वी और जीरो ही होगा, तो दो ही पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट आपने बोल दिया ये सर ए पॉइंट है और यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू वी है, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? वी है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? वो आपने बोला सर बी है और यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। क्लियर है बातें, है ना? तो अब आपने क्या किया, अब आपने कहा सर अब लगाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यूज कौन कौन सा है। आपने कहा सर देखें जरा, ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये वी और जीरो के बीच में है, तो ये वी है ये जीरो है। आपने कहा सर ये रहा 6 ओम, लगा दिया आपने 6 ओम का रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस ए और जीरो के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वापस 6 ओम, ये वो वी ए पोटेंशियल वी, ये पोटेंशियल जीरो, वापस से बनाया तो आपने कहा सर फिर से 6 ओम वी और जीरो के बीच में लगेगा। तो आपने कहा सर ये बना दो एक रेजिस्टेंस, ये रहा और ये चला गया मेरा 6 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया। अब इसको देखें, ये वापस से देखो बेटा जीरो और वी के बीच में लगा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपने कहा सर यहां पर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है और ये हमारा लगा हुआ है 2 ओम वी और जीरो के बीच में। ये वाला रेजिस्टेंस 12 ओम किसके बीच में लगा है? आपने कहा सर ये भी वी है ये भी जीरो है, तो
तो 12 ओम भी यहीं पर लगा होगा, तो आपने कहा सर ये रहा एक और रेजिस्टेंस और ये हो गया मेरे पास में 12 ओम। यहां पर एक और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर एक और क्वेश्चन में दिया है, मान लेते हैं कुछ समथिंग 6 ओम ही ले लेते हैं इसको, ठीक है ये भी कितना है 6 ओम है, आर भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, क्लियर है सब बातें। तो आपने कहा सर ये कोई रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इसको देखें तो ये भी बेटा V और 0 के बीच में लगा है, तो आपने कहा सर ये रहा वापस से 6 ओम और ये यहां पर कनेक्टेड है, इस तरह का सर्किट। एक रेजिस्टेंस 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया सारा रेजिस्टेंस, सबके सब कहां पर अटैच थे, पोटेंशियल V और पोटेंशियल 0 के बीच में आ गया, इस सर्किट को रिड्रॉ कराया, कितना आसानी से लीनियर सर्किट बन गया, देखो आप समझ रहे हो चीजों को। अब ये सारे के सारे किसमें हैं, आपने कहा सर सेम पोटेंशियल है सबका, तो इसका मतलब ये किसमें है पैरेलल, तो लिख दिया आपने ऑल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, किसमें है पैरेलल में है, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट को यूज करो, वापस से ढंग से देखो, बहुत अच्छे से देखो, 666 तीन रेजिस्टेंस रिपीट हो रहा है, 666 तीन रेजिस्टेंस रिपीट हो रहा है, क्या बनेगा 6/3, कितना बन जाएगा 6/3। तो वापस से इसको देखें, ये जो चीज है इसको मैं वापस से रिड्रॉ करके लिख रहा हूं, ये कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 6 रेजिस्टेंस 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो कितना बनेगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2 ओम। सर्किट को रिड्रॉ कर दो बेटा फटाफट, ये है वी और ये है हमारा जीरो, यहां पर एक सर्किट, ये तीनों का कन्वर्ट होगा कितना जाएगा 2 ओम, तो ये रहा 2 ओम, कितना हो गया 2 ओम, पहले से ये वाला 2 ओम तो लगा ही हुआ है, तो ये रहा आपका 2 ओम, और फिर ये हमारे पास में लगा हुआ है 12 ओम, तो ये रहा 12 ओम, ठीक है 12 ओम 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। अब आपने कहा सर टू रेजिस्टेंस रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया 2 रिपीट हो गया, कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। सर्किट को रीड्रॉ कर दो, कितना हो गया V, ये हो गया A, तो कितना बना बेटा, आपने कहा सर ये V पोटेंशियल था, ये O पोटेंशियल था, ये A पॉइंट था, इसको हमने B बोला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस जो लगा है साथ में वो कितना है, उसको बोल दिया आपने 12 ओम, क्लियर है। तो आपने कहा सर ये दोनों के दोनों हैं, अब इसको रिड्यूस करना है, तो आपने कहा सर सिंपल है, आर इक्विवेलेंट लिखना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 / R1 + R2। तो आपने कहा सर 1 × 12 / 12 + 1, तो ये हो गया 12/13 ओम, कितना हो गया 12/13 ओम, तो आपने तुरंत पता लगा लिया। तो R इक्विवेलेंट हमें पता लगाना था, वैल्यू आ गया 12/13 ओम, ठीक है दिस इज योर आंसर, ठीक है। इतने से इतने बड़े से सर्किट को हमने छोटे से में कन्वर्ट करके और बड़े आसानी से रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होते चले गए, रिड्यूस किया, यहाँ पर 2 रिपीट हुआ रिड्यूस कर दिया, 2 का रिड्यूस होके जो बना उसको 12 के साथ में पैरेलल में लगा दिया, आर और जो बेसिक फॉर्मूला है 2 रेजिस्टेंस का उसको यूज करके सॉल्यूशन कर डाला, क्लियर सब बातें, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सामने आपके एक और क्वेश्चन, ठीक है वही ए पॉइंट है बी पॉइंट है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इसको हमें रिड्यूस करना है और पता लगाना है किस तरह से रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस में आएगा, कितना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है वही यूज करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा वही रहेगा हमारे लिए कि हमें सीखना है, बहुत आसान हो जाता है चीजों को करना। आपने कहा सर सबसे पहले तो ए और बी के बीच में क्या कर दो, एक बैटरी लगा दो, तो ए के ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया वी, और बी पे कितना आ गया जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ हायर पोटेंशियल वी है लोअर पोटेंशियल जीरो है, क्लियर है। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर हमने इस तरह से क्या किया है, इस तरह से इसको उठा दिया, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर ओवरलैप्ड है, ये क्या है ओवरलैप्ड है, 10th क्लास में हमने पढ़ा भी होगा ये सब चीजें, ठीक है क्लियर है सब बातें, ओवरलैप्ड है इस तरह से कुछ। तो आपने कहा सर इसको देखें तो किस तरह से सोल्व कर सकते हैं वो देखें, बढ़िया है देखो जरा। आपने कहा सर ये पॉइंट का पोटेंशियल V है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो भी कितना होगा V होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा जीरो, क्योंकि ये भी जीरो है, यहां भी जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो आ गया। आपने कहा सर
यहां से मूव करना शुरू करोगे तो यहां रेजिस्टेंस नहीं आएगा, और अगर यहां रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, वी। यहां पर आपने मूव करना शुरू किया, जीरो पोटेंशियल था, यहां भी पोटेंशियल कितना रहेगा, सेम रहेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। बस और कोई टर्मिनल तो नहीं है, नहीं है तो फटाफट इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दो। तो आपने कहा सर एक पॉइंट यहां पर कौन है, ए है जिसका पोटेंशियल वी है, दूसरा पॉइंट हमारे पास में बी है जिसका पोटेंशियल जीरो है, हमें इनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो आपने कहा सर कर देते हैं, कैसे करें देख लो भाई, पहले फटाफट देखते जाओ किस तरह से इसको आप लोग सोल्व कर सकते, ठीक है। देखो वी और जीरो, वी और जीरो के बीच में दो रेजिस्टेंस, तो पहले तो दो रेजिस्टेंस बना दो, एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, वैल्यू कितना है, आर है, इसका भी आर, क्लियर सब बातें। अब आपने कहा सर ये हो गया, अभी ये बच गया, तो वी और जीरो के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस। आपने कहा सर एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, और ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी कौन बचा, ये वाला, कितना है, वी और जीरो के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस। तो आपने कहा सर ये एक रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस, और हमने इनको कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कितना है, आर आर है, लिखते जाओ, ठीक है, बाद में भूल जाते हैं तो लिखते जाओ, साथ के साथ लिखते जाओ। नेक्स्ट आपने कहा सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया वी और जीरो के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस। तो आपने कहा सर ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, और इनको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, ये भी आर है, ये भी आर, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, इस तरह से है। तो पहले इसको वापस से रीड्रॉ करेंगे आप, ताकि ये तो सॉल्व कर लो पहले, तो ये तो क्या बनेंगे आपके, आपने कहा सर यहां पर अगर देखेंगे हम तो ये पोटेंशियल वी है, यहां पर एक पोटेंशियल जीरो है, और उनके बीच में ये सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके दिखाना है। आपने कहा सर ये रहा पहला रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा पहला रेजिस्टेंस, कितना बना, आर प्लस आर, टू आर, कितना हो गया, टू आर, ये वाला टू आर, ये भी कितना हो गया, टू आर। तो आपने कहा सर ये रहा एक और रेजिस्टेंस जो कि कितना है वापस से 2R, ये वाला भी कितना है 2R। तो आपने कहा सर ये एक और रेजिस्टेंस कितना है, आपने कहा सर 2R, ये भी क्या हो गया 2R, एक और रेजिस्टेंस सर जो कि कितना हो गया 2R, कितना हो गया 2R रिपीट हुआ है 4 times। तो आपने कहा सर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R का रिपीटेशन हो गया कितनी टाइम्स, 4 times, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, R डिवाइड बाय, कितना हो गया R divided by 2, this is your answer, ठीक है। आप दूसरे मेथड से सॉल्व जरूर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा मेथड ज्यादा सही है, वो यहाँ से हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्लियर सब बातें। चलो ये हो गया हमारे पास, R by 2 आ गया, चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है, और इनके बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस आर 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 और आर को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। हमें पता लगाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, हमें क्या पता लगाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। आपने कहा सर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पहले बैटरी कनेक्ट कर दो, आपने कहा सर कैसे करें यहां तो कुछ दिख नहीं रहा, अरे कोई बात नहीं यहां अलग से बैटरी लगा सकते हैं ना, नहीं भी लगाना है तो इमेजिन तो कर ही सकते हैं, इमेजिन तो कर सकते हैं ना, कैसे करें। आपने कहा सर वी को पोटेंशियल वी दे दिया, बी को पोटेंशियल ए को पोटेंशियल वी दे दिया, बी को पोटेंशियल जीरो दे दिया। अब देखो जरा जीरो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, इस पॉइंट पे भी कितना हो गया जीरो, यहां पर मूव करता रहा कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, यहां पर भी कितना हो गया जीरो, यहां से मूव करते हुए यहां पहुंचे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, ये भी कितना हो गया जीरो, और ए पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी, पता लग गया सारे के सारे पॉइंट्स, पता लग गया सारे पॉइंट्स। तो आपने कहा सर आसानी से हो गया, ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट, ठीक है, इनका पोटेंशियल वी है, बी का पोटेंशियल जीरो है, बाकी सारे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करें, आपने कहा सर वी और जीरो के बीच में एक आर लगा है, ये रहा एक आर जो कि V और जीरो के बीच में लगा है, V और जीरो के बीच में एक और R लगा है, ये एक और R हो गया।
आपने कहा सर वी और जीरो के बीच में एक और आर भी लगा है, ये लो भाई एक और आर हो गया, ये भी हुआ, फिर से वी और जीरो के बीच में एक और आर पुट कर दिया हमने, तो आपने कहा सर ये एक और रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसी तरह से इंक्रीज कर सकते हो आप, बहुत सारे रेजिस्टेंस यहां पर हो सकता था, पर हम लोग हर पॉइंट का यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वलेंसी, या फिर हम पोटेंशियल पता लगा सकते हैं, आसानी से रिड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जरा क्या हुआ, तो आपने कहा सर यहां पर अगर आर इक्वलेंट चाहिए तो है कितना, तो आपने कहा सर एक दो तीन चार, चारों के चारों के इसमें पैरेलल में है, तो चारों पैरेलल में, तो मैंने आपको बताया हुआ है एन टाइम्स अगर कोई रेजिस्टेंस रिपीट हो जाता है तो वैल्यू कितना हो जाता है आर डिवाइड बाय एन, तो आपने कहा सर यहां पर जो वैल्यू है वो कितना है आर रिपीट हुआ है, ये क्या है आर रिपीट वाला देखना है, रेजिस्टेंस रिपीटेड डिवाइड बाय एन कितनी टाइम्स, वन टू थ्री फोर, तो आपने कहा सर फोर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कितना हो गया बेटा आर डिवाइड बाय, कितना हो गया आर डिवाइड बाय। इस तरह से फाइंड आउट करते जाओगे बड़े आसानी से सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, क्लियर सब बातें। अब देखो एक ही लाइन में ये सब सॉल्व हो गया, सिर्फ एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ा, कितना आसान सब रहेगा आपके लिए, अगर आप पोटेंशियल लगाना सीख जाते हो बेस्ट मेथड है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्लियर सब बातें। चलो अब आता है एक जेन्युइन कंसेप्ट इन्फिनाइट नेटवर्क, क्या आता है इन्फिनाइट नेटवर्क, मतलब क्या है कोई सर्किट बनता गया बनता गया बनता गया, सर्किट इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये सर्किट रिपीट होता हुआ कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, और आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए एंड बी के बीच का, पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्लियर है सब बातें। चलो सीखो चीजों को, पहले मेथड क्या है कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, मेथड के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, तो नंबर वन सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है सबसे पहले आपको पता लगाना है फाइंड द रिपीटिंग एलिमेंट, क्या फाइंड करेंगे फाइंड रिपीटिंग एलिमेंट, रिपीटिंग यूनिट को क्या करेंगे आप फाइंड आउट करेंगे, यूनिट का मतलब क्या है ऐसा कोई एक यूनिट जिसको बार बार ऐसे रखते हुए चले जाएं, सीरीज में रखते हुए चले जाएं तो ये कनेक्शन पूरा का पूरा बन जाए, सबसे पहला काम। सेकंड, अज्यूम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन रिपीटिंग यूनिट्स एंड रिपीटिंग यूनिट्स इज कैपिटल एक्स, वाई भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, जो कैपिटल आर भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील, ठीक है कुछ भी लिखो, हमने बोल दिया दैट इज कैपिटल एक्स। नंबर थ्री क्या करना है, नंबर थ्री द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी एक्स, भाई जो एन यूनिट में का रेजिस्टेंस होगा एन में से अगर एक रेजिस्टेंस हटा भी दोगे तब भी वो तो रहेगा एक्स ही ना, बहुत बड़ा है तो ये कितना होगा एक्स ही रहेगा, बस ये तीन टर्म्स अगर याद रखोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने कहा सर कैसे होगा, चलो हम लोग करते हैं अपना सॉल्यूशन, क्या करते हैं अपना सॉल्यूशन, रिपीटिंग टर्म्स देखें, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है रिपीटिंग टर्म्स, कैसे देखें आर और ये आर, अगर इसी को बार बार यहां पर रिपीट करता हुआ चला जाऊं तो क्या ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो आपने कहा सर ए फाइंड आउट कर ली रिपीटिंग टर्म्स, इसके अलावा एक को छोड़ दिया और ये सारे के सारे इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना मान लिया मैंने एक्स, कितना मान लिया एक्स, क्लियर सब बातें। तो इसको आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्यों इनके साथ में इन ये रिपीटिंग टर्म है ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है एन टर्म्स का रेजिस्टेंस कितना होता है एक्स होता है, फाइंड आउट कर लिया, अब इस एक्स को इनके साथ में लगा दो, आपने कहा सर सर्किट को रिड्रॉ कर देंगे, ये रहा आर रेजिस्टेंस
ये रहा दूसरा आर रेजिस्टेंस, ये रहा सर्किट, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, और हमने ये फाइंड आउट किया तो डेफिनेट से बात है पैरेलल में आएगा। तो ये रहा आपका सर एक्स, ये क्या है हमारा, क्लियर सब बातें। यहाँ के रेजिस्टेंस कितने आर है, ये रेजिस्टेंस आर, नॉट अ बिग डील, हो गया काम। अब क्या करना है, आपने कहा सर हम इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो आपने कहा सर ये दोनों पैरेलल में है तो कितना बनेगा, आपने कहा सर आर डैश, किसका लिख रहे हैं वो पहले बता दो इनको, आपने कहा सर इन दोनों को सोल्व करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आर डैश, क्या फाइंड आउट करेंगे, आर डैश। तो आर डैश कितना होगा, आपने कहा सर आर डैश हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स, हो गया। सर्किट को रीड्रॉ करो, सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो आपने कहा सर जैसे ही सर्किट ये बन जाएगा, सर्किट बनेगा अभी, ये रहा सर जी ए पॉइंट, ये रहा हमारा आर रेजिस्टेंस, और ये रहा हमारा आर डैश वैल्यू, और ये रहा हमारा बी पॉइंट, ये तो बन जाएगा ना, इसको रीड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा। इन दोनों को ऐड करना है तो आपने कहा सर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, कितना हो गया आर प्लस आर डैश, आर डैश का वैल्यू तो ये है, कितना हो गया आर इक्विवेलेंट, कितना हो गया आर प्लस आर डैश, ये तो हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस भी कितना रहेगा, आर ही रहेगा, सॉरी एक्स ही रहेगा, समझ रहे हो, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना रहेगा, एक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि यार इसके अंदर इस इनफिनिटी सीरीज में अगर ये और ऐड कर दोगे तब भी वो एक्स ही तो रहेगा, कितना फ्रैक्शन फर्क पड़ जाएगा, कोई तो चेंज नहीं आएगा, एन टर्म्स हैं, एक टर्म गायब भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। तो आपने कहा सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ये जो टर्म्स लिखा है इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। एक टर्म आपने यहां से पता लगाया, एक टर्म ये रहा, दोनों को कंपैरिजन कर दो, दोनों क्या कर दोगे आप, कंपेयर कर दोगे, तो करें कंपेयर, कंपैरिजन करने बैठे आप तो आपने कहा सर क्योंकि आर इक्विवेलेंट जो सर्किट है, जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो होता है एक्स, और हमने अभी अभी पता लगाया कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, आपने कहा सर वो है आर प्लस आर डैश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू r प्लस r डैश के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपने कहा सर x इज इक्वल टू r प्लस आर एक्स डिवाइड बाय r प्लस x, r डैश का वैल्यू यही था ना, यही था ना, तो आपने इसको सॉल्व किया, आपको क्या मिलेगा, एलसीएम ले लोगे यहां से तुरंत, एलसीएम लेके उधर भेज देता हूं, चलो ले नहीं ले भेज दे, x इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स डिवाइड में क्या रह जाएगा आर प्लस एक्स, ये हो जाएगा। सॉल्व करें आप इसको, सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स, ये होगा। सोल्व करें क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ये आर एक्स से एक आर एक्स का खेल खत्म, क्या बनेगा मेरे पास, बनेगा एक्स स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर माइनस आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, रूट्स निकालने होते हैं, क्या बन गया हमारे पास में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हमें क्या निकालना होता है इसका, रूट्स निकालना होता है, ठीक है। रूट्स अगर निकालना नहीं आता है तो आप लोग क्या यूज करोगे, श्री धराचार्य नियम, ठीक है, क्या यूज करोगे आप, श्री धराचार्य नियम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यूज होगा, आपने कहा सर फॉर रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, आपने कहा सर इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। अब बात आती है सर ये ए बी सी क्या क्या है, बचपन की बातें हैं, याद नहीं है, कोई बात नहीं, कर देते हैं अभी बता देते हैं। इनके साथ होता है ए मल्टीप्लाई बाय, इनके साथ में होता है बी मल्टीप्लीकेशन, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी, ठीक है, उनका जो मल्टीपल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी, क्लियर है। इक्वेशन किसका है, एक्स का, एक्स से फाइंड आउट करना है ना,
तो यहाँ से जो फाइंड आउट होगा वो क्या है, एक्स का है, तो एक्स के साथ में जो मल्टीपल है वो क्या है, ए है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ मल्टीपल क्या है, बी है, एक्स का वैल्यू वन हो गया ना एक्चुअल में, तो यहाँ पर मल्टीपल क्या है, सी। सिंपल है, सॉरी ये बी है ये सी, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, ठीक है, ये कितना जाएगा, सी। चलो बढ़िया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एबीसी का वैल्यू कितना कितना है। ए का वैल्यू कितना है बेटा जी, वन, कितना है वन, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आर है, और सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, वन, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देते हुए सॉल्यूशन कर दो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, क्लियर है। चलो वैल्यू सॉल्व करें, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी मतलब आर, माइनस बी मतलब कितना हो गया, यहाँ पर देखोगे माइनस बी, माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, माइनस आर, बी का वैल्यू कितना है, माइनस आर, तो कितना बन गया, आर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, माइनस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है वन, सी का वैल्यू कितना है वन, कितना हो गया फोर ए सी, कितना हो गया फोर ए सी, ठीक है। यहां पर क्या बोलोगे, आर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ए का वैल्यू रखोगे, सी का वैल्यू रखोगे, तो यहां पर सी का वैल्यू सॉरी आर है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स, ठीक है, इसको ऐसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू रखना होता है, सी का वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर है, सॉरी कितना है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस का था तो यहाँ पर आ गया वैल्यू आर, डिवाइड बाय में हो गया टू इंटू वन, कितना हो गया टू इंटू वन, ठीक है। सोल्व करें तो सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू आर प्लस माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर और फोर आर स्क्वायर, तो कितना हो गया फाइव आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ठीक है, कितना हो जाएगा फाइव स्क्वायर डिवाइड बाय टू, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू सिर्फ आपको लेना है पॉजिटिव टर्म जो रहेगा, तो पॉजिटिव टर्म क्या है, एक्स प्लस रूट ऑफ फाइव आर डिवाइड बाय टू, ठीक है, हो गया। यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो आर कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया आर बाय टू बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा वन प्लस रूट ऑफ फाइव, दिस इज योर आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर का वैल्यू। तो यहां से सब चीजों को ऐसे सोल्व करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सी का वैल्यू ये है आर स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस आर, ए का वैल्यू वन, तो यहाँ लिख दो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस आर, सी का वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, सब बातें फटाक से सोल्व कर दोगे, पॉजिटिव टर्म को लेके आंसर लिख देना, बाकी हमें देखना नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आर इक्वलेंट, ये हमारा वैल्यू किसका आया है, दिस इज आवर आर इक्वलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वापस से ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या है, रिपीटिंग टर्म्स, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला काम क्या है, रिपीटिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना। तो देखिए जरा, ये तो सेम हो गया, ये हो गया, फिर ये, तो ऐसे ऐसे करके बार बार अगर ये टर्म रिपीट कर दें, ये इजी वाला टर्म, तो रिपीटिंग टर्म क्या है वो देख लो, तो रिपीटिंग टर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, और ये हो गया रिपीटिंग टर्म, यही रिपीटिंग टर्म है। इसी टर्म को बार बार आप अगर सीरीज में लगाते चले जाओगे, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट आपका क्रिएट हो जाएगा, देर सब बातें। चलो रिपीटिंग टर्म आ गया, तो बचे हुए को हमने क्या मानना होता है, जो भी आपका इंफिनिटी तक है वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स, कितना हो जाएगा एक्स, तो जैसे एक्स की बात करोगे तो वो होगा तो यहीं पर, तो ये हो गया आपका एक्स, इसको उठा के कितना बोल दिया, एक्स इक्वलेंट है, यहां पर ले आए, इसको सोल्व कर लिया, तो कैसे किया आपने, कहा सर ये आर था, ये आर था, ये एक्स है, तो आपने सोल्व करोगे तो कैसे बनेगा, आपने कहा सर यहां पर अगर देखेंगे तो ये सर्किट तो रहा आर, ये तो रेजिस्टेंस कितना है आर, और इनके साथ में ये अब आ जाएगा
ये दोनों के दोनों तो सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों के दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कैसे ऐड करोगे? तो आपने कहा सर इन दोनों को अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस कैपिटल एक्स। तो यहां पर कितना हो गया, आर प्लस कैपिटल एक्स बना। ये आर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फाइंड आउट करना है। आपने कहा सर अब यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज से निकलेगा, किससे निकलेगा, पैरेलल से। तो ये दोनों के दोनों किसमें है, पैरेलल। तो यहां से मिलेगा आर इक्विवेलेंट। तो आपने कहा सर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स। हो जाएगा आर प्लस एक्स, आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। क्लियर है? चलो आपने कहा सर क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होता है, कैपिटल एक्स। तो इसका मतलब कैपिटल एक्स और ये दोनों वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है, आर इक्विवेलेंट होता है। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्स के। क्यों भाई, एक टर्म हमने हटा भी दिया तो कोई तो चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, नहीं आएगा। तो हमने बोला कि ठीक है एक्स ही होगा, तो एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा, इस आर इक्विवेलेंट के। तो कितना वैल्यू है, आर इंटू आर प्लस कैपिटल एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स। क्लियर है? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सॉल्व करने में, तो करें सॉल्व। कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में, ठीक है, ये बनेगा मेरे पास में आर स्क्वेर प्लस आर एक्स डिवाइड बाय, सॉल्यूशन चल रहा है, कितना बनेगा ये बेटा, उस तरफ भेज दिया मैंने, इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू आर प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, टू आर प्लस एक्स। क्लियर है? सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा आर स्क्वेर प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू टू आर एक्स, और यहां पर बन गया प्लस ऑफ एक्स स्क्वेर। इक्वेशन को रीराइट कर दो, आपको मिलेगा एक्स स्क्वेर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वेर इज इक्वल्स टू जीरो। ये होगा, वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, कितना लिखोगे, रूट ऑफ कितना हो जाएगा, बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। क्लियर है सब बातें? वापस से वही सब चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू आर है, और सी का वैल्यू है मेरे पास में, पर सी का वैल्यू आर स्क्वायर ना है, माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो वैल्यूज को रख के, सॉल्व कर लो वैल्यूज को रख दे, सॉल्यूशन कर लें। कैसे करना है, तो यहां से आप लिखोगे माइनस ऑफ बी, तो बी का वैल्यू आर है, तो माइनस ऑफ आर ना हो गया, माइनस ऑफ आर। क्लियर सब बातें? प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है, r, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए का वैल्यू वन है, c का वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय वन को हटा दिया हमने बस, डिवाइड बाय टू ए। क्लियर सब बातें? कितना बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर, कितना बना गया यहाँ पर देखोगे तो ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, कितना हो गया, फाइव आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। बाहर कौन है, प्लस माइनस किसका है, आर का, और डिवाइड बाय में कौन है, टू, ठीक है। सॉल्व कर लो, अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो कितना लिखोगे, आर बाय टू माइनस का बाहर, ठीक है, आर बाय टू माइनस का बाहर, जो टर्म्स है नेगेटिव नहीं होना चाहिए वैल्यू, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, टर्म्स को सॉल्व करते हुए नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो प्लस वाला देखते हैं हम लोग, प्लस कितना बनेगा, प्लस बन जाएगा मेरे पास में रूट फाइव बाय टू, और ये बन जाएगा आर, ठीक, क्या लिख सकते हो आप इसको, आप लिख सकते हो आर डिवाइड बाय टू कॉमन रूट फाइव माइनस वन, ठीक, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप लोग सर्किट को यूज करते चले जाओगे तो आपके पास में बहुत सारा
आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लें, कुछ करते हैं। तो ये हमने बोला ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और इस तरह से हमारा कोई सर्किट है, ठीक है। कोई भी सर्किट बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब की बार आर आर मत लो, थोड़ा टफ कर दो। कितना ले लोगे? आपने बोला सर ये 2R है, ये R है, ठीक है, ये R है। सिमिलर ये भी 2R है, ये R है, ये R है। सर ये 2R है, ये R है और आगे चला गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हो कंपटीशन के बारे में तो IIT JEE या फिर नीट के अंदर ये क्वेश्चंस का जो जो परसेंटेज है वो 2 मार्क्स का ये होता है आपका, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। CBSE में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे तो ये 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट के लेवल को एनहांस करने में हमें इनसे हेल्प मिलता है, क्लियर सब बातें। चलो तो आपने कहा सर सबसे पहले रिपीटिंग टर्म्स देखें, तो आपने कहा सर ये रिपीटिंग टर्म मैंने फाइंड आउट किया, एक ये रहा दूसरा, इसी को अगर बार बार मैं एन टाइम्स तक रिपीट कर दूं तो ये पूरा सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। रिपीटिंग टर्म्स में देखा तो ये है 2R, ये है R और ये है R, बाकी बचा हुआ ये सब का सब कितना हो जाएगा, ये सब का सबको बोल दिया दैट इज कैपिटल X। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया कैपिटल एक्स और ये यहां पर आके लग गया। सॉल्व कर लो सर्किट को, ऐसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से जो भी सॉल्यूशन करते हो। तो आपने कहा सर इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां से मिलेगा आर डैश विच इज इक्वल टू आर इंटू एक्स डिवाइड बाय आर इंटू एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स, क्लियर है सब बातें। तो आपने कहा सर सर्किट देखो, ए बी पॉइंट्स के बीच का सर्किट था, वापस से रीड्रॉ करो तो आपको मिलेगा 2R, R डैश और R और ये पॉइंट B, ये पॉइंट B पॉइंट कितना हो गया 2R, R डैश और ये हो गया R। तो आपने कहा सर R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R प्लस R प्लस आर एक्स डिवाइड बाय R प्लस एक्स, ठीक है। तो आपने कहा सर यही होगा और ये इक्विवेलेंट सर्किट किसके इक्विवेलेंट होगा, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स वैल्यू रखना पड़ेगा। क्यों भाई, ए की तो हमने टर्म गायब किया था, उससे तो बहुत ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं, ऐसा लिखोगे। तो आपने कहा सर सॉल्व करें इसको, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, तो आपको मिलेगा आर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2R प्लस आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एक्स। इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा 2R स्क्वायर प्लस 2R x प्लस R स्क्वायर प्लस R x प्लस R x इज इक्वल टू R x प्लस x स्क्वायर, ये बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी। अगर ऐसा है तो आपने कहा सर ये आर एक्स से एक आर एक्स का खेल खत्म। अभी कितने बचे मेरे पास, 2, 1, 3, 3 बच गया, वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर के टर्म में सारे इक्वेशन को राइट डाउन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1, 3 कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 3 आर एक्स, कितना हो गया 3 आर एक्स, उधर जाएगा प्लस था इधर, उधर जाएगा माइनस 3 आर एक्स, आर स्क्वायर 2R स्क्वायर 3R स्क्वायर उधर जाएगा माइनस माइनस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग आसानी से ओनली पॉजिटिव, ये ध्यान देखना, ये सिर्फ क्या लेना है, ओनली पॉजिटिव रूट, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ओनली पॉजिटिव रूट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग यूज कर सकते हो धराचार्य रूल्स को यूज कर सकते हो, अगर सिंपल निकालना चाहो तो उससे निकाल सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब बातें। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं
कंपटीशन लेवल में इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता रहता है। ध्यान रखें इन बातों को, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर करें, कोई भी बुक उठाएं, प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। कोई डाउट आता है आप हमसे जरूर पूछें। क्लियर सब बातें? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, वीडियोस देखें रेगुलर। कोई भी कंसेप्ट अगर आपका वीक रह गया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यही सब है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।